हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट वाजिद शेख और आप देख रहे हैं लीगल एडवाइस। अगर हमारे साथ कोई आपराधिक घटना होती है तो उसकी शिकायत यानी एफआईआर दर्ज करने के तरीके क्या है, इस टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे अपराध कितने टाइप के होते हैं। अपराध दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉग्निजिबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध, जो नेचर में सीरियस होते हैं यानी गंभीर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मर्डर, रेप, थेफ्ट, डकैती जैसे जो अपराध होते हैं उन्हें कॉग्निजिबल ऑफेंस कहा जाता है। और जो नेचर में कम सीरियस होते हैं उन्हें नॉन क्रिमिनल ऑफेंस यानी असंज्ञेय अपराध कहा जाता है। हमारे साथ कोई आपराधिक घटना होती है तो हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत किन तरीकों से उसकी शिकायत या एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है, अगर हमारे साथ कोई आपराधिक घटना होती है तो सबसे पहले हम पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस के समक्ष हमारी शिकायत या एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। हमारे साथ कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 154 के तहत हम पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हमारे साथ कोई नॉन क्रिमिनल ऑफेंस होता है यानी असंज्ञेय अपराध होता है तो हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 155 के तहत नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। दूसरा तरीका है बिफोर एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस थानेदार हमारी कंप्लेंट या शिकायत दर्ज नहीं करता तो हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 154(3) के तहत सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास हमारी शिकायत राइटिंग में दर्ज कर सकते हैं, या फिर हम हमारी शिकायत को सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास पोस्ट से भी भेज सकते हैं। अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लगता है कि हमारे साथ हुए गंभीर अपराध की जांच होना जरूरी है तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पुलिस थानेदार को या फिर किसी अन्य पुलिस ऑफिसर को हमारी एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे सकते हैं। तीसरा तरीका है, अगर फिर भी पुलिस हमारी एफआईआर दर्ज या शिकायत दर्ज नहीं करते तो हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 156(3) के तहत कोर्ट में हमारी शिकायत या कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और मजिस्ट्रेट से एफआईआर दर्ज करने के डायरेक्शन ले सकते हैं। चौथा तरीका है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 200 के तहत अगर हमारे साथ कोई क्रिमिनल ऑफेंस या नॉन क्रिमिनल ऑफेंस होता है तो हम प्राइवेट कंप्लेंट कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। पांचवा तरीका है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी, मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान लेना। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को किसी अपराध की सूचना मिलती है या फिर पुलिस रिपोर्ट द्वारा किसी अपराध की सूचना मिलती है या फिर किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त जानकारी पर या फिर अपने खुद के नॉलेज के ऊपर भी मजिस्ट्रेट किसी भी अपराध का कॉग्निजेंस ले सकते हैं। इस तरह से आप ऊपर बताए गए पांचों तरीकों से अपराधी घटना की शिकायत या एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। अगर कोई लीगल क्यूरी या लीगल सवाल आपके हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम आपके सवालों के जवाब दे सकें। थैंक यू वॉचिंग फॉर।